सर uh, uh, आप गलत हैं लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है दो मिनट एनालिसिस आप ज्योति रेजेंस पे कर लें कि वो ई बढ़ेगा रेट कट होने से फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं हुआ पहला सेंटेंस इसीलिए बोला गया था आपका अटेंशन लेने के लिए आई डिड नॉट मीन डैट विशाल वर्मा बोल रहे हैं बड़ा मजेदार क्वेश्चन है शुरू में लिखा डियर बसंत यू आर रॉन्ग इट सीम्स यू लाइक यू डोंट नो एनी थिंग अब इन्होंने इस ढंग से रिस्पॉन्ड किया है क्वेश्चन का तो ज्योति रेजन ज़रा देखें वैसे अब मैं सोचा था टू मिनट एनालिसिस बहुत हो रहे हैं बट चलो ठीक है ज्योति रेजिन ऊपर से तो अच्छी ठुकाई पिटाई हो गई मेरे को लग रहा है अब ये सब स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ आ रहे हैं कंपनी अच्छी दिख रही है कंपनी तो अच्छी दिख रही है यार ये लेकिन घटने पे आप देख सकते हैं इसको मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा आपको मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा बट एक कंपनी रेडार पे लगा के रखो जो दिन कोई ज़्यादा गिर जाए कोई ज़्यादा पड़ जाए उस समय आप देख सकते हैं इसको ज्योति रजिन की बात हो रही है बट मुझे इनका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने इस ढंग से अट्रैक्ट करके पूछा कि डियर बसंत यू डोंट नो एनी तो आँख ज़रूर जाता है उस पर ना कि भाई फिर फिर बोल रहे हैं ऐसे यू डोंट नो एनी थिंग इतना बोलता हूँ सुबह एक घंटा बोल रहा हूँ शाम को एक घंटा सुबह सॉरी सॉरी सुबह आधे घंटा बोलता हूँ शाम को आधे घंटा बोलता हूँ उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ बट उसके बाद भी आप बोलते हो कुछ नहीं जानते हो बट कंपनी आपकी अच्छी लग रही है मुझे बट ये है कि ऊपर से धुलाई पिटाई बहुत हो गई है और थोड़ा सा और गिरेगा ज़्यादा और गिरेगा कोई ना बैड डे ना डीप कट ये सब स्टॉक्स देखने लायक होते हैं लेने के काम तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र ही आपको बताएगा क्योंकि रेकमेंड भी वो करेगा और इन्फ्लुएंस भी वो करेगा हम ना आपको रेकमेंड करेंगे ना हम आपको इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि दोनों में से हम कुछ भी कर लें तो सेबी वाले भैया लोग हमको बहुत डांटेंगे पकड़ के तो यहीं तक रखते हैं कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे